नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल बांग्ला। आपके साथ मैं हूं मीनू। सुबह से ही जिस नजर पे हमारी नजर है वो है केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन में पूरे देशव्यापी बंद बुलाई गई है। मंगलवार इस बंद के दौरान पूरे उत्तर बंगाल समेत राज्य भर में व्यापक असर देखने को मिला। वहीं सोमवार युवा मोर्चा द्वारा उत्तर कन्या अभियान के दौरान पुलिस के कार्रवाई में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत की घटना के बाद उत्तर बंगाल में भाजपा द्वारा भी 12 घंटे का बंद बुलाया गया। कुल मिलाकर लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से बुलाए गए इस बंद का असर देखने को मिला, जहां लगभग सारी दुकानें बंद थी, बस स्टैंड से बस बाहर नहीं निकले, कुछ सरकारी व बेसरकारी बसें निकली थी जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ बिहार के बस स्टैंड में प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन में उत्तेजना का माहौल बन गया। वहीं सुनीति रोड में भी बंद के समर्थन में वाम मोर्चा के मजदूर संगठन एवं फेडरेशन के तरफ से सामूहिक रूप से जुलूस निकाली गई। जुलूस शहर के कई सड़कों की परिक्रमा करती खत्म हुई। केंद्र कृषि कानून को वापस लेने की मांग में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के समर्थन में पूरे देशव्यापी बंद बुलाई गई है। मंगलवार इस बंद के दौरान पूरे उत्तर बंगाल समेत राज्य भर में व्यापक असर देखने को मिला। वहीं सोमवार युवा मोर्चा द्वारा उत्तर कन्या अभियान के दौरान पुलिस के कार्रवाई में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत की घटना के बाद उत्तर बंगाल में भाजपा द्वारा भी 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। कुल मिलाकर लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से बुलाए गए इस बंद का असर देखने को मिला, जहां लगभग सारी दुकानें बंद थी, बस स्टैंड से बस बाहर नहीं निकले, कुछ सरकारी बस बाहर निकली थी, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ बिहार के बस स्टैंड में प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन से उत्तेजना का माहौल बन गया था। समर्थन में वाम मोर्चा के मजदूर संगठन एवं फेडरेशन की तरफ से सामूहिक रूप से जुलूस निकाली गई। जुलूस शहर के कई सड़कों की परिक्रमा करती खत्म हुई। जाने पर कुल मिलाकर लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से बुलाए गए इस बंद का असर देखने को मिला, जहां लगभग सारी दुकानें बंद थी, बस स्टैंड से बस बाहर नहीं निकली, कुछ सरकारी बस बाहर निकली थी, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। वहीं कुछ बिहार के बस स्टैंड में प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन से उत्तेजना का माहौल बन गया। वहीं सुनीति रोड पर भी बंद के समर्थन में वाम मोर्चा के मजदूर संगठन एवं फेडरेशन के तरफ से सामूहिक रूप से जुलूस निकाली गई। जुलूस शहर के कई सड़कों की परिक्रमा करती खत्म हुई।
रुक करते हैं मालदा की तरफ। भाजपा द्वारा बुलाए गए उत्तर बंगाल बंद के समर्थन में पुरातन मालदा के मंगलवारी चौरंगी मोड़ इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रदर्शन से लंबे समय तक वाहनों का आवागमन बंद हो गया। देखते हैं इस बंद का असर किस तरह से अलीपुर द्वार में हुआ। वाम मोर्चा के संगठन द्वारा अलीपुर द्वार शहर में कृषि बिल वापस लेने की मांग में बुलाए गए किसान संगठनों के बंद का समर्थन करते हुए जुलूस निकाला गया। बंद का असर अलीपुर द्वार में देखने को मिला, जहां लगभग सभी दुकान पाट बंद थी। वहीं अलीपुर द्वार में भाजपा की तरफ से बुलाए गए उत्तर बंगाल बंद के समर्थन में भी भाजपा के कार्यकर्ता जुलूस निकाली और प्रदर्शन किया। अलीपुर द्वार जिला भाजपा के सचिव असीम कुमार लामा ने उत्तर बंगाल की उत्तर कन्या अभियान के दौरान पुलिस द्वारा चलाए गए अत्याचार में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अलीपुर द्वार में आंदोलन पर इस दिन उतरे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से कॉलेज हॉल्ट इलाके में सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन के बस को भी रोक दिया और बंद को सफल बनाने के लिए जुलूस निकाली। आज के कृषक संगठने डाके जो बंद चलते कांग्रेस ताके पूर्ण समर्थन जानिए एवं आमरा जरा कांग्रेस कर्मी रही बांगलार विभिन्न प्रांते तारा सकाल थेके आमरा आज के नेमे बंद के सफल करार जन्य एवं सबचेये बड़ो ब्यापार होच्छे एखाने शुधु कांग्रेस नय समस्त राजनैतिक दल एई इस्युके समर्थन करेछे। मोदी सरकारेर बिरुद्धे मानुषेर जनमत तैरि होच्छे एवं आलिपुर द्वारे एई बंद सर्वात्मक सेटा आपनारा देखते पाच्छेन। सकाल थेके कोनो गाड़ी घोड़ा नेई, कोनो रकम दोकानपाट बाजार खोला नेई। आमरा সভাপতি আমরা খুব খুশি যে মানুষ এই বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ আজকে রাস্তায় নেমে এই বন্ধকে সমর্থন করছে। वहीं धूपगुड़ी में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद एवं किसान संगठनों बंद के दौरान धूपगुड़ी में लगभग सभी दुकानें भी बंद थी। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। बंद समर्थकों ने कई इलाके में जुलूस भी निकाले। एसयूसीआई की तरफ से भी कूचबिहार के लगभग सभी एटीएम को जबरन इस दिन बंद करवाया गया। एटीएम बंद करो,
किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के समर्थन में मालदा के सुकांत मोड़ पे भी कृषि सामान्य कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। किसान संगठनों द्वारा बंद के समर्थन में मालदा के सुकांत मोड़ पे भी कृषि सामान्य कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। সারা দেশ জুড়ে হরতাল হচ্ছে, দিল্লির বুকে লক্ষ লক্ষ কৃষক তারা পথ অবরোধ করে রাস্তায় বসে আছেন 12 দিন ধরে, এবং 3টা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে, বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে এই লক্ষ লক্ষ কৃষক আজকে দিল্লিকে অবরোধ করেছে। সারা দেশ থেকে কৃষকরা রওনা দিচ্ছে, দিল্লিতে গিয়ে অবরোধে অবস্থানে বসবেন। আজকে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে হরতাল হচ্ছে, প্রতিবাদে হরতাল, দেশটাকে আদানি আম্বানি এদের হাতে বেচে দেওয়ার প্রতিবাদে হরতাল। रुक करते हैं इस्लामपुर की तरफ, देखते हैं बंद का असर किस तरह से इस्लामपुर में दिखा। इस्लामपुर में भी किसान संगठन के समर्थन में SUCI समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। कई चरणों में संगठन की तरफ से जुलूस निकाली गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी चक्का जाम कर वहां टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। इस्लामपुर में भी किसान संगठनों के समर्थन में SUCI समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। कई चरणों में संगठन की तरफ से जुलूस निकाली गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर वहां टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं उसी की तस्वीर। हालांकि चाय बगान में बंद का खासा असर देखने को नहीं मिला। भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद हो या फिर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद, चाय बगानों में इस दिन स्वाभाविक तौर पर कामकाज किया गया। कालचीनी, रायमतांग समेत सभी चाय बगान में लगभग स्वाभाविक तौर पर काम किया गया। आज तो पूरा भारत बंद है, तो आप लोग क्या बंद का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग काम कर रहे हैं बगान में? काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बगान थोड़ा दिन आगे खुला है, इसीलिए हम लोग का मुश्किल हो जाएगा फिर बंद होने से, इसीलिए चालू रहना ही हम लोग का बेहतर सोचता है। ये नहीं है कि अपना स्वार्थबाजी में ये चालू रहेगा, ये नहीं है। हम लोग का पेट भरने के लिए, कैसे भी रोटी रोजी के लिए ये काम जारी होना जरूरी समझता हूँ। काम कर रहे हैं आप लोग, मतलब सभी श्रमिक काम पे निकले हैं क्या आज? सभी काम कर रहे हैं। आपका नाम? प्रभात नाम। कौन सा चाय बगान? राय मैडम चाय बगान।
रुक करते हैं मेखलीगंज की तरफ। मेखलीगंज में बंद के समर्थन में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही SUCI के कार्यकर्ता भी आंदोलन पर उतरे थे और उनकी तरफ से शहर में जुलूस निकाली गई। बंद का भारी असर पूरे महकुमा में देखने को मिला। बंद के समर्थन में कांग्रेस समर्थकों के गाड़ी को रोककर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अधीर रंजन चौधरी के सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वहीं पोस्ट ऑफिस में घुसकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम बंद करवा दिया और प्रदर्शन किया। देखते हैं बंद का असर किस तरह से मैनागुड़ी में दिखा। बंद के वजह से दूर दराज से आए ट्रक चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। इस दिन कई स्थानों पर सामान लेकर रखे जबरन रोक दी गई थी। मैनागुड़ी, उल्ला डाबरी समेत कई इलाकों में बंद के दौरान वाहनों की लंबी कतार देखी गई, जहां सामान लगे हुए कई ट्रक खड़े थे। वहीं चालकों का कहना है कि बंद के दौरान अशांति की घटना घट सकती है, इसी वजह से ऐतिहासिक ट्रक बंद रखी गई। वहीं बंद का असर नाजिरहाट में किस तरह से था वही देखते हैं। नाजिरहाट इलाके में भी बंद समर्थकों ने बंद के समर्थन में कृषि से संबंधित औजारों को लेकर जुलूस निकाला और बंद को सफल बनाने की मांग की। नाजिरहाट इलाके में भी बंद समर्थकों ने बंद के समर्थन में कृषि से संबंधित औजारों को लेकर जुलूस निकाला और बंद को सफल बनाने की मांग की। वहीं बंद के समर्थन में उतरे भाजपा नेता शांतन बसु ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। প্রথম কথা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে পোস্টমর্টম হয়েছে এবং আমাদের কাছে আরেকটা যেটা সূচনা এসেছে আমি কনফার্মেশন জানি না, মানে কনফার্ম নয় আমার কাছে। পার্টির কার্যকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন যে ওনার বাড়ির লোকজনকে রাত্রিবেলা পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এবং FIR-এ বলে যে লিখতে হবে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে নিহত হয়েছে। কিন্তু উলেন রায় সকলের সামনে, মানে এরকম বলে 1000 প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যাবে যারা দেখেছেন পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং মারা গেছে বা আহত হয়ে পড়ে গেছে,
ওনার পরিবারের লোকজন বাইট দিয়েছেন টেলিভিশন চ্যানেলে, আপনাদের চ্যানেলেও দিয়েছেন, ওনাদের চ্যানেলেও দিয়েছেন। সেই চ্যানেলেও আমি দেখলাম যে পুলিশের ছোড়া গুলিতে মৃত্যুর কথা বলেছে। কাজেই আমাদের দুটো জায়গায় আপত্তি, রাতের অন্ধকারে তড়িঘড়ি করে পোস্টমর্টেম এবং বাড়ির লোককে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া, এ দুটোর বিরুদ্ধে আমরা। তার জন্য আজকে আমরা এখন বসছি, কাগজপত্র জোগাড় হচ্ছে, আর একটা পোস্টমর্টেম যদি করা সম্ভব হয় হবে, যদি শেষকৃত্য না হয়ে থাকে আমরা তো কোর্টেই যাবো এবং আন্দোলনকারও তীব্র রূপ দেবো। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি বলছে যে তিনজন চিকিৎসক এবং ক্যামেরার সামনে, আমার কৈলাসজি বলেছেন তিনজন চিকিৎসক এবং দেখুন পোস্টমর্টেমের রুল হচ্ছে পুরো ভিডিওগ্রাফি করতে হবে, এটা রুল। স্বাভাবিকভাবেই সেই পোস্টমর্টেমে যদি পুরো ভিডিওগ্রাফি না হয় তাহলে ডাল মে কুছ কালা হয়, দুজন চিকিৎসককে তো রাখতেই হবে, সেটাও রুল। একজন অতিরিক্ত চিকিৎসকের দাবি আমরা করছি, সরকার যদি না মানে তাহলে কোর্টে যেতে আমরা বাধ্য হবো, বাকি আন্দোলন তো চলবে। এইভাবে কি সূর্যাস্ত পর পোস্টমর্টেম হয় না তো, বেআইনি তো, এত তড়িঘড়ি কি ঘটল? যেখানেই বিজেপির কার্যকর্তা মারা যায় রাত্রিবেলা পোস্টমর্টেম হচ্ছে কেন? তার কারণ হচ্ছে পুলিশ ওই ছররা গুলি চালিয়েছে। সব থেকে বড় প্রমাণ যেটা ডেথ সার্টিফিকেট আছে, মেডিকেল রিপোর্ট আছে, তাতে মৃত্যুর কারণ পেলেট ইঞ্জুরি লেখা আছে, আমি নিজে দেখেছি সে রিপোর্ট। পেলেট ইঞ্জুরি যে বোধহয় আপনারাও দেখেছেন, আমরা মিডিয়াকে মনে হয় শেয়ার করেছি, পেলেট ইঞ্জুরি যেহেতু লেখা আছে তার মানে ছররা গুলিতে মৃত্যু হয়েছে। ছররা গুলিতে যদি মৃত্যু হয় সেই গুলি কে চালালো? তৃণমূলের একজন নেতা বোধহয় বলেছেন মিছিল থেকে গুলি চালানো হয়েছে, তাহলে তো পিঠে গুলি লাগবে, পিঠে গুলি লাগবে। মিছিল থেকে গুলি চালানো হলে বুকে কি করে গুলি লাগলো? তার মানে পুলিশের মধ্যে কেউ ছিল সমাজ বিরোধী, অথবা পুলিশ ওই বন্দুক ব্যবহার করেছে, কোনটা সত্যি এর উত্তর তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হবে, তিনি এর দায় এড়াতে পারেন না। 130 জন কার্যকর্তা আমাদের খুন হলো। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির ইতিহাসে প্রথমবার বিজেপির কোনো আন্দোলনে বিজেপির কোনো কার্যকর্তা পুলিশের গুলিতে নিহত হলো, প্রথমবার। এর আগে বহু মানুষ আমাদের মারা গেছেন, রাজেশ তাপস আপনারা জানেন দাড়ি ভিটে মারা গেছে পুলিশের গুলিতে, কিন্তু তারা বিজেপির কার্যকর্তা ছিল না। তৃণমূল এলাকায় আমাদের বহু কার্যকর্তা খুন হয়েছে, কিন্তু পুলিশের হাতে, পুলিশের প্রেজেন্সে আমাদের কার্যকর্তা খুন 1980 সালে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমবার হলো যেটা বিজেপির আন্দোলনে হয়েছে। वहीं उत्तर बंगाल में बुलाए गए बंद के समर्थन में भाजपा सांसद निशित प्रमाणिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। দেখুন, একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী এবং নেতৃত্বদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে, তারপরে আমরা গতকাল দেখেছি পুলিশের নৃশংসতা, একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর কিভাবে লাঠি চার্জ করে, কিভাবে একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলকে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা যায় এবং আমাদের একজন কার্যকর্তার প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল রাতে, রাতের অন্ধকারে তার পোস্টমর্টম করা হয়েছে এবং নিহতর পরিবারের উপরে পুলিশ প্রশাসনের বারংবার যে চাপ, সেই চাপ কিন্তু সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে মুচলেকা লেখানোর কথা বারবার উঠে আসছে, সেই মুচলেকা কিন্তু সেই পরিবারকে দিয়ে লেখানো হয়েছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সেই পরিবারের পাশে রয়েছি, সাথে রয়েছি এবং আমরা সর্বতোভাবে সেই পরিবারের পাশে মানবিক দিক থেকে আমরা থাকবার আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা অঙ্গীকার দিয়েছি এবং সেই জন্যই আজকে আমরা সেই পরিবারের পাশে থাকবার জন্য যাচ্ছি। দেখুন, আমরা এর আগেও দেখেছি হেমতাবাদের বিধায়কের মৃত্যুর পরে তার পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট আসবার আগেই সেখানকার পুলিশ সুপার একটা আত্মহত্যার ঘটনা বলে সেটাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি মাম্পি সিংহ রায়ের মৃত্যুর পরে পুলিশ প্রশাসন তার যে মা এবং বাবা তাকে কিন্তু অ্যারেস্ট করে, আর একই রকম ঘটনা, ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দলদাসে পরিণত হয়ে একটা নিহতর পরিবারের পাশে না থেকে তাদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ না করে কি করে তাদের উপরে চাপ দিয়ে এই ঘটনাটাকে সুন্দরভাবে একটা নাটকীয়ভাবে অন্য রূপ দিয়ে যাতে নিজেদের দোষ থেকে এড়িয়ে যেতে পারে, সেই জন্য কিন্তু পরিবারের উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে। উত্তর বঙ্গাল মে ভাজপা দ্বারা বুলায়ে গে বন্ধ কে সমর্থন মে
गाजोल इलाके में बंद समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता उत्तर कन्या अभियान के दौरान पुलिस के कार्यवाही में एक भाजपा कार्यकर्ता के मौत का विरोध कर रहे थे। वहीं अगर हम इस बंद का असर सिलीगुड़ी में देखें तो वहीं सिलीगुड़ी में अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां विधायक अशोक भट्टाचार्य कृषि बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे और सड़क पर क्रिकेट खेलकर उन्होंने समय बिताया। कृषि कानून को रद्द करने की मांग में प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। आपको हम फिर एक बार बता दें कि वहीं सिलीगुड़ी में अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां विधायक अशोक भट्टाचार्य कृषि बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे और सड़क पर क्रिकेट खेलकर उन्होंने समय बिताया। कृषि कानून को रद्द करने की मांग में प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। वहीं चलिए देखते हैं बंद का असर किस तरह से मालदा में दिखा। वहीं बंद के समर्थन में वैष्णव नगर इलाके में प्रदर्शन करने आए विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंद समर्थक 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने लगे, तभी पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं बंद के समर्थन में वैष्णव नगर इलाके में प्रदर्शन करने आए विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर्थक 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने के प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं बंद का असर मैनागुड़ी में अगर देखें तो प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी मैनागुड़ी 1 एवं 2 नंबर प्रखंड इलाके में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई नेता वहां उपस्थित थे। तृणमूल नेता मनोज राय ने कहा कि पूरे राज्य में सभी प्रखंड में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के समर्थन में वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। আজকে আমাদের রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে সারা বাংলায় প্রত্যেকটি হেডকোয়ার্টারে আমাদের প্রত্যেকটি অ্যাসেম্বলি ওয়াইজ কৃষক বিরোধী যে বিল, সেই কৃষক বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সেই আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ আমাদের বাংলাতেও আমরা বিভিন্ন অ্যাসেম্বলি ওয়াইজ আমরা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করব। সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে, আমরা বিকেল 5টা পর্যন্ত এই অবস্থান কর্মসূচি আজকে পালন করব। পাশাপাশি আমাদের কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আমাদের 8, 9, 10 এই 3 দিন ব্যাপী একই অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 তারিখ সেখানে সেই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। এর মাধ্যম দিয়ে আমরা বাংলার কৃষকদেরকে আমরা সংগঠিত করবার চেষ্টা করছি, আমরা জানাবার চেষ্টা করছি যে কেন্দ্র যে কৃষি বিল নিয়ে এসছে এই কৃষি বিল মূলত কৃষকদেরকে মারবার লক্ষ্যে, পুঁজিপতিদের হাতে এই কৃষির সমস্ত কিছু তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে
কেন্দ্রের যে সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই সরকার যে পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে সেটাকে বাতিল করতে হবে এবং কেন্দ্রের এই কৃষি বিল ইমিডিয়েট বাতিল করতে হবে নইলে আমরাও সেই আন্দোলনে সামিল হতে যাচ্ছি আগামী দিন আমরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত হব এবং পাশাপাশি যে শিল্প থেকে শুরু করে রেল থেকে শুরু করে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া ব্যাঙ্কগুলোকে মার্জার করে দিয়ে মানুষকে আরও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধেও আজকে এই অবস্থান কর্মসূচি আমরা পালন করছি আমাদের ব্লকের এবং বিধানসভা ক্ষেত্রের সর্বস্তরের নেতৃত্ব জনপ্রতিনিধি যারা আছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা আজকের এই অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আমাদের এটাই বার্তা যে এই বিল মূলত কৃষক মারার লক্ষ্যে এবং কৃষক মরলে আমরা বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ সকলেই মরবে এটা খুবই স্বাভাবিক তাই সাধারণ মানুষেরও যারা কৃষক নয় তাদেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত তারাও যেন এই আন্দোলনে সামিল হয়ে কৃষিকে রক্ষা করে কারণ কৃষি যদি রক্ষা না হয় কৃষি আমাদের মূল ভিত্তি কৃষি যদি রক্ষা না হয় তাহলে পরে আগামী দিন ভারতবর্ষের বুকে অন্ধকার নেমে আসবে এটাই करते हैं सिलीगुड़ी की तरफ देखते हैं बंद का असर किस तरह से रहा सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में बंद समर्थकों ने सरकार द्वारा प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर को फाड़ दिया। महात्मा गांधी चौक पर इस घटना से उत्तेजना का माहौल बन गया जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सभी पोस्टर बैनर फाड़ कर उस पर आग लगा दिए। इससे हिलकार रोड पर उत्तेजना का माहौल बन गया था। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। वही मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई पोस्टर बैनर फाड़ देने से नाराज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे थे और दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहर में जुलूस निकाली गई और इस दौरान सड़क पर लगाए गए भाजपा के झंडे को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने खोलकर फेंक दिया। आपको एक बार फिर बता दें कि मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई पोस्टर बैनर फाड़ देने से नाराज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे थे और दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शहर में जुलूस निकाली गई और इस दौरान सड़क पर लगाए गए भाजपा के झंडे को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने खोलकर फेंक दिया। Hey, I'm bro.
চুলের ক্ষমতায় বিজেপির চামড়া। कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा डिजिटल बांग्ला पर। सबसे पहले सबसे तेज़।